भाई लड़ाई होगी भाई साहब। अबे रुक मार, सस्पेंड हो गया बिना किसी रीजन, कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ पोस्ट करता भी। दो बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही जो कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा हूं, जो कि मैं आपको पूरे वीडियो दिखाने वाला हूं। पहली इन्फॉर्मेशन है न्यूज बाय के बारे में। न्यूज बाय का जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है और उस पर न्यूज बाय ने क्या बोला, मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाने वाला हूं। और साथ साथ जो दूसरी बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो राउंड 12 के वसीम भाई की, उनका एक फाइट का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला और पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन ये सारी अपडेट देने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सके अपडेट लाते रहता हूं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ बाय की एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देता जो कि सबसे बड़ी बैड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि न्यूज़ बाय का अकाउंट सस्पेंड हो चुका। लेकिन घबराइए मत, यूट्यूब का नहीं हुआ बल्कि इंस्टाग्राम का हुआ, जिसपे 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे और शायद इससे पहले भी उनका एक अकाउंट सस्पेंड हुआ था। तो अब वो क्या बोलते नजर आ रहे हैं, आप सबसे पहले उनका छोटा सा वीडियो देख लीजिए। मेरे लाइफ में ना परेशानी पीछा नहीं छोड़ती, बट डिनर में मस्त एकदम सेलिब्रेट किया, ठीक है 28 जून को था, गुवाहाटी गया था, मस्त इंजॉय वगैरह किया। नेक्स्ट डे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया बिना किसी रीजन, कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ पोस्ट करता भी नहीं हूँ जो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट होता है। पता नहीं भाई क्या चल रहा है, और मेटा का जो ये है क्या बोलते इसका सपोर्ट सिस्टम वो अच्छा नहीं है, और इनको इंस्टाग्राम पे टैग करो या फिर ट्विटर पे टैग करो तो भी फायदा नहीं है जितना मैंने सुना है। अगर अंदर तक किसी का बातचीत है वो हेल्प कर सकता है, नहीं तो फिर मैंने ऐसा भी सुना है ऐसा बिजनेस चल रहा है लोगों का कि कुछ ग्रुप है जो क्या करते हैं, एक टारगेट रखते हैं एक बंदे को, एक बंदे का इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ाने का जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, एंड वो भाई सस्पेंड करा देते हैं, पता नहीं वो कैसे करते हैं। एंड इसके बाद वो उनको अप्रोच करते हैं कि हम तुम्हारा अकाउंट वापस ला सकते हैं, इतना पैसा चाहिए। अब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, और होता है तो मैं बताता हूँ, अगर होता है एंड पैसे भाई कितने मांगेंगे, ज़्यादा मांगेंगे तो मैं छोड़ दूंगा यार इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सेकेंड चैनल पर एक्टिव हो जाऊँगा। तो यस, बहन का ट्रीटमेंट भाई, मेरे ना हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा खर्च हो रखे हैं, कल का तो मेरा खर्चा नहीं है, अंकल की बेटी है तो वो करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ कितना खर्च हुआ पापा के सर्जरी में, मेरा खुद के में इतना गया, पापा के में भी बहुत गया भाई, 3-3 बार हैदराबाद जाना पड़ा। मेरी ग्रैंड मदर गिर गई थी, उनका पैर टूट गया, वो सर्जरी करना पड़ा। अभी ग्रैंड फादर बीमार है, वो तो काफ़ी ज़्यादा ही बीमार है। तो यस, वही है लाइफ अपडेट। हाँ, तो आपने न्यूज बाय का छोटा सा वीडियो देख लिया जहाँ पे न्यूज बाय ने क्या बोला उनके अकाउंट सस्पेंड के रिलेटेड। लेकिन आपको बता दूं जो भी न्यूज बाय के साथ हो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि यार एक अकाउंट ग्रो करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड करना पड़ता है। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन। लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए राउंड 12 के वसीम भाई के बारे में, क्योंकि राउंड 12 के वसीम भाई का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम के वायरल जहाँ पे उनके साथ कोई फाइट कर रहा है वो कार में बैठे हुए। आप सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको फुल डिटेल दूंगा। अबे तो भैया तू गाली मचा रहा है, अबे तू भाई से ईमानदार से बच्चू गाली बकी, अबे तू मुझे यार हल्के में ले रिया वसीम, तुझे मेरे पता ना पापा ऊपर की आदत की, और एक तो यार तेरे सामने तेरे भाई साहब होंगे जो भी है, भाई साहब पकी गाली ईमानदारी से बता ना, देखो हाँ, तो आपने वीडियो देख लिया जहाँ पे राउंड 12 के वसीम भाई की किस्सा से कंट्रोवर्सी किस तरह से फाइट हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कई सारे लोग बोले कि अब्बी का वीडियो, लेकिन ये अब्बी का वीडियो नहीं है, तकरीबन 2 या 3 साल पहले का वीडियो जो सोशल मीडिया पे पहले वायरल हो चुका था। लेकिन पब्लिक अब डबल से कर रही है ताकि वसीम भाई को थोड़ा बहुत हेट मिले या कुछ और कॉन्ट्रोवर्सी, तो आप सुधा दू ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राउंड 12 का वसीम भाई का पुराना वीडियो, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। तो जो लोग भी राउंड 12 के फैन देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे और लोगों को पता चले कि वो अब्बी का वीडियो नहीं है, पुराना वीडियो है। तो इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।